गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वाइस स्टूडेंट ने अभी फिर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया है और बहुत कुछ नए लोग ने ज्वाइन किया है और कुछ वीडियो वो पब्लिक भी कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेंबर स्पेसिफिक रखते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है ऑप्शन राइटिंग में, तो कैसे हम इसमें पूरे पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और एक साल की मेंबरशिप के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में और कुछ स्ट्रेटेजी है जो मुझे अच्छी लगती है, कि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है हर किसी को वो यूज़ टू नहीं आए, बट हर किसी का अलग ट्रेडिंग करने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, तो हर किसी की एज अलग होती है, तो वो ट्रेडिंग की जो एज है वो डेवलप करने में टाइम लगता है। तो मैं फिर भी कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेड बुक कैसे बनाते हैं और उसमें मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जैसे देखें कि ज़ीरोधा में ऑप्शन स्ट्राइक को एक ले लेते हैं, जैसे ये मैंने राइट किया, चलो ना कल वही ले लेते हैं कि 17300 का कॉल मैंने राइट किया था 264 में और उसको हेज किया 17500 से 176.65। तो इसमें लिखा है 17300 जो सेलिंग प्राइस है वो प्रीमियम, जिससे हेज किया वो स्ट्राइक प्राइस और उसका प्रीमियम और नंबर ऑफ लॉट आप जितने लोगे उस हिसाब से, और ये है डिफरेंस, मतलब आपने किसको सेल किया है और कितनी स्ट्राइक प्राइस से उसको हेज किया है, तो वो दोनों का डिफरेंस है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि कितना मार्जिन आप मतलब यूज़ होता है। अभी तो सेबी ने फिक्स कर दिया है तो हर कोई ब्रोकर का सेम ही है, पहले डिफरेंट था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर वो जो फार्मूलाज है किसी को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हर कोई एक्सेल से यूज टू नहीं है, तो सिंप्लीफाइड वे में उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे 17300 का कॉल हमने सेल किया, तो पर्पस क्या है ये ट्रेड के पीछे का, हम मान रहे हैं कि निफ्टी 3 फरवरी की जो एक्सपायरी है वहाँ तक 17300 से नीचे रहना चाहिए। तो सपोज़ वो 17300 के नीचे रहेगा तो इसमें हमारा फुल प्रॉफिट होगा, सपोज 17500 से ऊपर जाएगा तो फुल लॉस होगा, मतलब मैक्स लॉस होगा, और इन दोनों के बीच में रहा तो मैक्स लॉस नहीं होगा बट लॉस होगा, वो डिपेंड है कहाँ एक्सपायर होता है, तो वो भी हम समझेंगे। अभी मान लो कि 264 से हमने सेल किया है और 176 से बाई किया है, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो सेल किया है और जिससे हेज किया, उन दोनों का डिफरेंस मतलब जो प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं वो दोनों का डिफरेंस हमारा हो गया 87.85, और हमने कितना क्वांटिटी सेल किया है 1 लॉट। ये हमेशा सेम ही होता है जनरली, ऐसे ही मतलब रखना चाहिए कि जितने क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो उतना ही आपको हेज करना चाहिए। तो इसको हम लॉट साइज़ के हिसाब से गिने तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ये प्रीमियम कलेक्टेड इनटू नंबर ऑफ लॉट सेल, तो वो आ गया 4392.5। तो वो ही है इधर कि ये दोनों का डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ लॉट, और मैक्सिमम लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लोगे उसको मल्टीप्लाई करना है आपके नंबर ऑफ लॉट से, ठीक है। तो इधर आएगा नंबर ऑफ लॉट इनटू स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, बट इतना प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है तो इतना हमारा प्रॉफिट है इसमें, तो वो इसमें से निकल जाएगा क्योंकि हमने इतना प्रीमियम कलेक्ट किया है ना। तो ये मैक्सिमम लॉस में से हमने जितना प्रीमियम ये कलेक्ट किया मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हमको माइनस करना है, तो ये आ गया इधर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के 1000 तरीके हैं बट मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ जो वाइस ट्रेडर ने भी सिखाया और मुझे ये कंफर्टेबल भी लगता है। अभी ये एक्सेल क्यों यूज़ करना है,
हर कोई बोलेगा ये तो आप ऑक्स्ट्रा में या बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे आप ये डाल दो तो इधर दिखाएगा, जैसे देखो ये मैंने इसमें भी बनाया है, ऑक्स्ट्रा जो साइट है उसमें दिखाता है, इसको 17,300 को मैंने इतने से सेल किया, इसको इतने से बाय किया, और इसमें अंदर जाएंगे तो दिखाएगा कि ये आपका पे ऑफ चार्ट है, ये 4,392 आपका प्रॉफिट, 5,608 आपका लॉस, तो वो यही है। तो इसमें करने का पर्पस क्या है, इसमें एक चीज़ है कि आप ब्रेक इवन भी देख सकते हो कि 87.5, तो वो इधर से भी आप पता कर सकते हो कि 300 से आपने सेल किया और ये प्रीमियम कलेक्ट किया तो ये दोनों का समीशन कितना हुआ, 17,387.85, वो आपका ब्रेक इवन हो गया। तो करने के लिए तो ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही चीज़ है, बट एक्सेल यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है, मतलब मैं अपनी अपना बता रहा हूँ, मेरा व्यू बता रहा हूँ कि एक्सेल यूज़ करने से फ़ायदा क्या है। आई होप स्ट्रीमिंग चल रही है, ओके। तो एक्सेल यूज़ करने का फ़ायदा ये है, देखो आप इधर ये डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा मैक्स लॉस है, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये भी चलो इसमें ज़्यादा फील्ड लग रहे हैं तो हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो, या कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे लेवल पे आ जाता है, हम वो लेवल की वेट करते हैं और आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की वेट करते हैं, तो उस टाइम पे ये डालने जाओगे उतने में मूवमेंट चला जाता है, तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, मैंने एक और भी सिंप्लीफाइड बनाया है कि यहाँ सेल प्राइस, यहाँ बाई प्राइस, क्वांटिटी और डिफरेंस, ये फिक्स है, इधर आपको डालना है क्वांटिटी और ये डिफरेंस, ये फार्मूला इसमें फिक्स है, तो मैं सिर्फ ये दोनों ही चीज़ डालता हूँ, जैसे ये चीज़ इसी में डाल देते हैं, 264.5 एंड 176.65। तो इधर दिखा दें, और सॉरी ये डिफरेंस हमको चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो इधर भी वही आ रहा है 4,400 और 5,600, तो ये दिखाता है कि मैंने एक और भी डाला है कि आपका मैक्सिमम लॉस है वो प्रॉफिट से कितना गुना एक्स्ट्रा है, मतलब 28% एक्स्ट्रा है, तो इट्स ओके, ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग में ऐसा ही रहता है। तो वो भी डाउट था कि रिस्क रिवॉर्ड ऐसा डैमेज, ये तो चलो फिर भी मैंने एट द मनी का एग्जांपल लिया है तो इतना ये फिर भी अच्छा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 1:1। कई ट्रेड में क्या होता है कि अभी जैसे मान लो हम वर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत दूर का, मतलब कहीं और अभी 18,000 का डाल देते हैं, उसको हेज करते हैं 18,200, तो ये है 25 एंड 13, उसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, 25 13, ये देखो कितना डैमेज है, 600 के सामने 9,400 का लॉस, तो ये मतलब 1,500 टाइम्स ज़्यादा है आपका लॉस। बट इसमें एज क्या है, इसमें एज ये है कि आपकी विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बहुत फार का है ये, हालांकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कल जाके वो अपर सर्किट मार दे और 19,000 आ जाए, तो 19,000 आ गया तो आपका मैक्सिमम लॉस इतना है, बट हमको उतना ही ट्रेड लेना चाहिए जो हम जिस मतलब ये मैक्सिमम लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड है सिचुएशन के हिसाब से, या आप जो भी एनालिसिस करो, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, RSI, वीकली, वो हर किसी का अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग नज़रिया होता है, बट व्यू बनाने के बाद आप ऑर्डर पंच करने से पहले ये क्लियर रखना है कि मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ। ये देखो जैसे मैंने ये मैक्स लॉस भी लिया है तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस तो होंगे ही बट प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग में मतलब ये जो एक्सेल शीट समझाने का पर्पस यही है कि इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और ये पहले भी विवेक भाई ने समझा है, मैं शायद एक साल पहले का वीडियो है जो अभी कुछ नए मेंबर्स ने शायद नहीं देखा हो, तो चलो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, देखो उन्होंने कैसे समझा, आप ये 1 जनवरी का वीडियो पूरा देख लेना, मैं तो बोलता हूँ सारे उनके जो प्लेलिस्ट बनाए हैं वो देखो उसको जाके, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा समझा रहा है तो कुछ तो होगा ना उसका, मतलब उन्होंने जो पर्पस से उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट किया है कि मैं सबको हेल्प करूँ,
तो वो अपना टाइम दे के अपने व्यू रखते हैं। मैं तो मतलब ये देखो, मैंने एक और भी वर्ड फाइल बनाई है जिसमें वो कभी कभी ऐसा कुछ लिखते हैं जो नॉर्मली नहीं लिखते हैं, तो मैं वो कैप्चर करता हूँ और फ्री टाइम में मैं रीड करता हूँ। क्योंकि लोग पैसे दे के कहाँ कहाँ सुनने जाते हैं, ये जैसे मनी कंट्रोल, ये सब नए नए सेमिनार रखते हैं, वहाँ कितने पैसे दे दे के लोग सुनने जाते हैं। तो ये कोई एक्सपीरियंस बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको ये, चलो हर किसी का अलग अलग व्यू होता है, ये मतलब मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि इसको मैं कैसे ले रहा हूँ, तो ये मैं एक पॉजिटिव नोट्स की तरह से उसको लेते हूँ। जैसे मैं लिखा है कि वाइस टेडर बॉयज, तो वो क्या फील करते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या मुझे अच्छा लगता है, वो मैं इसमें कैप्चर करता हूँ। हाँ तो भाई हम कहाँ थे, हाँ ये सुनते हैं, जहाँ पे उन्होंने ये सेम चीज़ बताया है जो हमने ये ट्रेड बुक में समझा। ठीक है, तो 14 क्या पूछा था, 14 200 सेल एंड 14 300 बाय मंथली एक्सपायरी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। 14 200 मंथली एक्सपायरी 206 है, 14 300 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेशन के लिए अपन एक्सेल यूज कर लेते हैं, तो एक सुनिए, ठीक है, कैलकुलेशन आप ही करना सीख लो, क्योंकि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे कितने रुपए का लॉस होगा। लॉस पहले कैलकुलेट करो, प्रॉफिट बाद में। ठीक है, तो 14 200 को हम सेल कर रहे हैं और हेज कर रहे हैं हम 14 300 को बाय करके। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन राइटिंग है, ये हमारा हेज। प्राइस कितना है 14 200 का, तो 206.7 दिखा रहा है लास्ट फिगर, 205 मान लेते हैं, 205 राउंड फिगर में। और 14 300 का प्राइस कितना है, 160 160 मान लेते हैं, 160। ठीक है, तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रीमियम वैल्यू कितना है, प्रीमियम तो 75 का लॉट होता है निफ्टी का। ये एक साल पहले का वीडियो है जहाँ पे मतलब उस टाइम पे 75 लॉट साइज था, तो वो उस हिसाब से समझाते हैं। और 205 इसका प्राइस है, तो 15,375 ये हमको मैक्सिमम इसमें सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये हम बाय कर रहे हैं तो इसका प्रीमियम कितना है, इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय इतना हम पे कर रहे हैं, तो हमको नेट प्रॉफिट हमको 3,375 मिलेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट अभी आगे भी कैलकुलेट करते हैं। थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये हमारा नेट प्रॉफिट। अभी देखो इन्होंने इधर कैसे समझाया, ये एग्जांपल में मैं समझाता हूँ कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये लेग में, तो 264.5 इनटू अपना लॉट साइज, ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट हुआ ये पर्टिकुलर लेग में, मतलब मुझे इधर इधर जब ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये अभी 5,000 जो दिखा रहा है उधर इतना दिखाएगा, कितना 13,000, और जो ये पोजीशन है 3,900 माइनस, तो उधर लॉस कितना दिखाएगा, तो लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आएगा ये प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ लॉट साइज, तो इतना माइनस दिखाएगा, और नेट टू नेट कितना हुआ, दिस माइनस सेम, तो गुम खुद से वहीं आना है, क्योंकि एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने के हजार तरीके हैं, ये उनसे ही सीखे हैं हम, और वो कोई और वीडियो में दिखाया होगा जब ये ट्रेड बुक दिखाई थी, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो मतलब आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। गुड है, अब ये 3,375 कमाने के लिए हमको कितना पैसा लगा, ठीक है वो कर लेते हैं प्रीमियम्स में, क्योंकि आपको 3,375 एक छोटा अमाउंट लग रहा होगा,
बट मार्जिन कैलकुलेट करके ज़रा आप लोग बताओ, क्योंकि मैं अपने ब्रोकर का करूं, बट आई थिंक 35,000 के आसपास मार्जिन होगा, फ्री कैलकुलेटर ऑफ स्टॉक्स। हाँ ठीक है, अभी जब लॉस कैलकुलेट करते हैं तो मैंने नोट करके रखा था, एक मिनट। इंडेड लॉस तो बताया नहीं आपने यार, मैं बीच में क्वेश्चन पढ़ने लगा था। लॉस पे कैलकुलेट करते हैं अपन, लॉस भी कैलकुलेट करते हैं यार, लॉस कैलकुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, इस पे 14,200 और 14,300, 205, 160। अब अपन मान के चल लेते हैं कि हमने 14,200 पे कॉल राइटिंग की थी, मतलब 14,200 स्ट्राइक पे, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है जनवरी में 14,500, ठीक है। तो 14,500 एक्सपायरी अगर हो रही है तो उस केस में हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। एक्सपायरी हो रही है 14,500 पे, तो 14,500 पे अगर एक्सपायरी हो रही है तो जो हमारा कॉल है 14,200 का, उसकी एक्सपायरी होगी 300 पे। 14,500 माइनस 14,200, 300। और ये जो 14,300 हमने बाय किया है, ठीक है, ये कौन सा है, 14,200 का सीई हो जाएगा 3,300, और 14,300 का सीई हो जाएगा, 14,300 का सी 14,500 हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये इनके करंट प्राइस हो जाएंगे। अब आपने कितने पे सेल किया था इसको, 205 सेल किया था, इसमें आपका लॉस कितना हुआ, लॉस कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ, 205 पे सेल माइनस 300 पे बाय, 95 पॉइंट्स का लॉस हुआ, करेक्ट। अब इसमें आपने 14,300 का देख लेते हैं, 14,300 आपने बाय किया था 160 पे, सेल किया 200 पे, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 200 माइनस 160, 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, नेट नेट ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेट लॉस कितना हुआ, इसमें 95% सॉरी 95 पॉइंट्स का लॉस, इसमें 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो नेट लॉस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 55 पॉइंट्स का लॉस रहेगा, 55 पॉइंट्स रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 75 लॉट साइज होता है 4,125 का आपका रिस्क है एक लॉट पे। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे विवेक भाई ने समझाया कि 14,500 हम इसमें कुछ भी डाल के देख सकते हैं, कि लाइक से 19,000 इधर आप 19,000 पे डालोगे ना, निफ्टी 19,000 यही 14,200 के टाइम पे, तो भी आपका लॉस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। आई थिंक अभी ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा, खुद से भी थोड़ा ट्राई करो। हाँ, और इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे ऑप्स्टा में सपोज़ ये इधर नीचे दिखा रहा है ना, इधर देखो कि 17,422 पे एक्सपायर हुआ, तो मेरा लॉस कितना होगा, क्योंकि मैंने सेल किया है 17,300 से और बाय किया है, हेज किया है 17,500, तो 17,422 इन दोनों के बीच में है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस नहीं होगा जो 5,600 है, इधर दिखाता है देखो 1-1708, तो 1,700 का लॉस होगा, तो इन बिटवीन एक्सपायरी हुई तो आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होगा। अभी मैं कुछ बताना चाहूँगा जो मतलब एक साल में मैंने कुछ चीज़ें डेवलप की है, तो ऑप्शन राइटिंग में स्पेशली दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जो मतलब एटलीस्ट मुझे ज़रूरी लगी, जो जिस ट्रेडिंग स्टाइल से मैं ट्रेड करता था, एक है पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ मतलब सबसे बड़ा एनिमी मुझे मतलब ऐसा लगा कि पेशेंस, पेशेंस नहीं है तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इधर आपने एक बार डिफाइन कर लिया कि ये मेरा मैक्स लॉस है, और मार्केट आपको 5,000 का लॉस दिखा दे और आप इसको काट लोगे, इसको एग्जिट कर दोगे, और फिर मार्केट आपकी फेवर में गया एंड ऑफ द एक्सपायरी, तो वो जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बहुत गंदा फीलिंग आता है। अभी लास्ट जनवरी की एक्सपायरी जो थी, तो जनवरी के स्टार्टिंग में मैं इसमें मंथली चार्ट एक ओपन करता हूँ निफ्टी का, उस टाइम पे व्यू बनाया था वाइस ट्रेडर ने, जो ट्रेड मैंने भी लिया था, कि आई थिंक वो 17,200 के करीबन वो ओपन हुआ था, मंथली एक्सपायरी की मैं बात करता हूँ, मंथली देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट है, तो इसमें ओपन प्राइस है 17,387, ओके,
तो 17,500 का कॉल हमने सेल किया था। अभी वो मैक्स लॉस मैंने डिफाइन कर दिया था इधर इसमें, कि इसमें मैं इतना लॉस लूँगा। तो मैं चार्ट वो सेव किया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा 17,500 से ये चार्ट। ओके, इस सी, हाँ ये रहा। तो अभी यहाँ का ये सेल किया था 31 दिसंबर को, ये देखो इधर प्राइस है अराउंड 220, मैंने 240 के करीबन सेल किया था। हाँ, 265 का हाई है ना, 240 को सेल किया था मैंने। और उसके बाद जब मार्केट में ये रैली आई थी, ये गया था 17,350। तो अभी मैंने इसमें डिफाइन किया है कि मेरा मैक्स लॉस फिक्स है, तो ये इधर देख के, ये सी का चार्ट है देखो, ये करीबन 900 गया था, तो ऑलमोस्ट इट वाज क्लोज टू माय मैक्स लॉस। तो ठीक है, इट्स ओके, डिफाइन किया है तो हमको होल्ड करना है ना, उससे ज़्यादा क्या होगा। लॉस ये डिफाइन किया है, उससे ज़्यादा नहीं होना है, तो आपको वो चीज़ होल्ड करने में क्या जाता है। तो ये होल्ड किया और मार्केट जब 17,500 के नीचे आई, ये जीरो पे एक्सपायर हुआ, इसको मैंने 1 रुपये में एग्जिट किया था। तो इसमें मेरा फुल फुल प्रॉफिट हुआ था। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको मैक्सिमम लॉस डिफाइन है, तो इन बिटवीन कभी भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। मार्केट चाहे आप कितना भी डराए, आपको इन बिटवीन एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि आपने डिफाइन किया है, उससे ज़्यादा मार्केट आपसे छीन ही नहीं सकता यदि आपने प्रॉपरली हेज किया है तो। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि लो कैपिटल में हम ट्रेड करते हैं। हालांकि मैंने तो 1.5 लाख से ही शुरू किया था, क्योंकि मैं 1 साल ऐसे ही टेस्ट किया कि ऑप्शन राइटिंग मेरे लिए है कि नहीं। तो नवंबर दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम इन द मनी स्टॉक ऑप्शन बाय किया था। तो वो था इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का 1900 का पुट बाई किया था, जो हालांकि इन द मनी था उस टाइम पे। मैं इन्फोसिस का भी चार्ट ओपन करना चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ कहीं मैंने इन्फोसिस, ओके, ये 1900 पुट का चार्ट है और ये इन्फोसिस स्पॉट का चार्ट है। इसको अराउंड 100 या 105 के अराउंड मैंने कहीं बाई किया था। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई मार, इधर कहीं मैंने बाई किया था, और उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच करके 1950 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा गया था, और ये उस टाइम पे आ गया था सिंगल डिजिट में, 8-9 रुपीस में आ गया था। बट ये जो लास्ट में 4-5 दिन बाकी थे, तब वो ब्रोकर के में मेल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इन द मनी है। क्योंकि यहाँ पे अगेन ये 1900 के बाद आया था, बट उस टाइम पे इसकी प्राइस अराउंड 10-12 रुपीज़ ही था, ये जस्ट शुरू हुआ था इन द मनी से, आउट ऑफ मनी से इन द मनी होने का। तो ब्रोकर का मेल आना शुरू हो गया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन द मनी होल्ड करने के टाइम पे। तो ये वैसे भी 8-9 रुपीज़ आ गया, तो मैं सोचा इसको निकाल देता हूँ। मैं 11 रुपये में इसको निकाल दिया, 100 रुपये का चीज़ लेके। मैंने मैक्स लॉस डिफाइन था कि अराउंड 300 इसका लॉट साइज है, तो 27 या 30,000 जैसा कुछ था। तो 11 रुपये में मैंने उसको निकाल दिया, और उसके बाद देखा ये गया 220। एक्चुअली ये होल्ड मुझे नहीं करना था, क्योंकि वो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, बट मैं एक चीज़ कर सकता था कि इसको रोल ओवर कर सकता था, इसकी जगह पे मैं फेब्रुआरी का बाय कर सकता था। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरा सारा फंड कॉल राइटिंग की पोजीशन में यूज़ हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रोल ओवर नहीं कर पाया। बट इट इज़ ओके, ये जो 30,000 दे के मैंने जो लर्निंग लिया है, तो वो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और अभी जब मैं कैपिटल हरा कि मेरे पास कैपिटल है ज़्यादा, बट मैं सिर्फ 1.5 लाख से इसलिए ट्रेड किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि 1 साल में मैं इसमें कैसा परफॉर्म करता हूँ। तो अभी वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं फंड इंक्रीज करके जब ट्रेडिंग करूँगा तो देखेंगे क्या होता है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लो कैपिटल है तो आप स्टॉक ऑप्शन से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकल, जहाँ पे हमारे पास मतलब
हेल्पलेस हो जाते हैं हम, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि ये मेरे लिए काम करता है, हालांकि हर किसी को खुद से आपको टेस्ट करके चेक करना चाहिए। मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं कोई रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर हूँ। बट फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी इंडेक्स डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में रहता है, मैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है, तो उसमें ये डेली चार्ट है जिसमें मूविंग एवरेज 100 एंड 200 डीएमए मैंने प्लॉट किया है। तो ये अभी 100 डीएमए के नीचे और 200 डीएमए के ऊपर है, मतलब ये डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश करने का स्टार्टिंग है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज ये डाउन ट्रेंड है, तो हमको ऑप्शन सेल करने में एक चीज़ मैं जनरली देखता हूँ कि मैं ये निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने अभी जो कॉल राइटिंग किया है 17,300 उसका कॉल का चार्ट लिया है, और ये पुट का चार्ट रखा है, इन द मनी पुट। मैं जनरली ऐसा ही रखता हूँ ताकि मुझे देखने में अच्छा लगता है कि सपोज पुट साइड कुछ अपॉर्चुनिटी हो पोजिशनल लेना है, तो देख सकते हैं कि प्राइस और मूविंग एवरेज से कैसे ये बिहेव करता है, और कॉल में भी इधर देख सकते हैं। तो एक साइड मेरा कॉल रहता है, एक साइड पुट रहता है। बट मैं कॉल राइटिंग कहाँ प्रीफर करता हूँ, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी ये चीज़ देखो कि ये डे लो पे एक्सपायर हुआ 17,300 का कॉल, बट ओपन हुआ था सपोज मैंने यहाँ एक वीक पहले यहाँ कहीं एक्सपायरी यहाँ कहीं ले लिया था ट्रेड कि 200, उसके बाद ये गया 200 300, तो इट्स ओके, हमने मैक्स लॉस डिफाइन किया, हम होल्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं इसमें दो चीज़ प्लॉट करता हूँ, EMA 200 एंड EMA 50। तो जब भी EMA 200 ऊपर है और EMA 50 नीचे है, तो डेफिनेटली इसमें हम सेल साइड एंट्री ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जब तक ये जहाँ तक ये 50 EMA को टच करके रिजेक्शन दे रहा है जैसे यहाँ पे, तो एंट्री जहाँ जब 50 EMA को टच करे ना तब लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद वो अगेन नीचे आता है और ऊपर के प्राइस पे मिलता है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, अभी इधर भी रिजेक्शन लिया, इधर भी रिजेक्शन लिया, इधर भी रिजेक्शन लिया, अभी इधर ऊपर चला गया, तो ये ठीक है, ये थोड़ा रिकवरी आया तो ऊपर जाएगा। बट जहाँ तक ये 200 DMA ऊपर है EMA और 50 EMA नीचे है, हम इसमें होल्ड करके रह सकते हैं, ऐसा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है। अभी देखो ये इसके 200 EMA के भी ऊपर चला गया, बट 50 EMA डाउन है और 200 DMA उसके ऊपर है, तो ये हो सकता है ट्रैप है। और ये प्राइस एक्शन देख के अभी भी देखो ऐसा ही हो रहा है कि ये मार्केट में इधर सब बुल्स को फंसाया, और ये देखो जैसे इसको टच किया इसके नीचे आ गया और अगेन ये डाउन, तो 50 EMA अभी भी इसके नीचे और 200 EMA अभी भी उसके ऊपर है, तो ये ट्रेड होल्ड करने का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो आई डोंट नो, ये मतलब यू कैन डू बैक टेस्टिंग, बट ये मेरे लिए काम करता है। और निफ्टी की कुछ एनालिसिस की बात करूं, जो वीर भाई भी बताते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट इसके नीचे और हो सकता है कि लॉन्ग टाइम या 1-2 साल और इसके नीचे ही ट्रेड करें, तो मैंने एनालिसिस करके एक ट्वीट किया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये लास्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये मैंने पोस्ट किया था कि निफ्टी के दो सिनारियो थे। जब अभी हुआ क्या इसमें कि ये 100 EMA नीचे आया लेकिन बाउंस लिया, अगेन नीचे आया 200 EMA मूविंग एवरेज को टच किए बिना अगेन बाउंस लिया, और ये लोअर हाई को भी काट के ऊपर गया है, ये लोअर हाई को भी क्रॉस करके ऊपर गया था, बट इसने ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया। तो मैं पुराने कुछ चार्ट दो सिनारियो अपलोड किए थे कि देखो ऑल टाइम हाई से 100 EMA के नीचे आया, 200 EMA मूविंग एवरेज को टच किए बिना अगेन ऊपर गया, और ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर दिया था, फिर बाद में ये नीचे आया था। तो एक ये सिनारियो था, और उसके बाद हालांकि जो मुझे लग रहा है अभी भी ये सीन रिपीट हो रहा है कि ये ऑल टाइम हाई था, 100 EMA को तोड़ा, बाउंस लिया, अगेन तोड़ा, ये लोअर हाई को भी क्रॉस करके ऊपर गया बट ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, और इसके नीचे आके 200 EMA को टच किया और उसको अगेन काफ़ी सारा नीचे गया, और ये तो पूरा साल, 1 साल तक नीचे रहा था। तो हो सकता है ये हिस्ट्री रिपीट हो, नो वन नोज।
हमें हेज करना है और मैक्स लॉस डिफाइन करके इस गेम में बने रहना है। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वाइस ट्रेडर जिंदाबाद। थैंक यू।